सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। Now the government tried to move these people away from here, and it tried to move step by step. Consider the practical effects of the objects of your conception. Then your conception of those effects is the whole of your conception of the object. मतलब ये विष्णु की मूर्ति है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। मतलब ये कि कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो भी अगर उसके असर होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। हम यहाँ सियाम रीप में हैं और शहर से थोड़ी ही दूरी पर ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इस पूरे इलाके को अंकोर वाट कहते हैं, यानी मंदिरों का शहर। किसी ज़माने में यहाँ दूर तक मंदिरों के स्ट्रक्चर फैले हुए थे और ये मंदिर विष्णु को समर्पित थे। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ईश्वर के कंसेप्ट में विष्णु की कोई जगह नहीं है। कंबोडिया में 95% लोग बौद्ध हैं और ये थेरवाद बौद्ध है, या जिसे स्थविरवाद कहते हैं। इनका कहना है कि बुद्ध भी ईश्वर नहीं है, वो महापुरुष जरूर हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि उनका मंदिर बनाया जाए या उनकी पूजा की जाए। लेकिन ईश्वर अगर एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को अगर आप नकार देते हैं तो उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स को अगर आप कंसिडर नहीं करते हैं तो आपका कंसेप्ट अधूरा है। यहाँ कंबोडिया की GDP का बड़ा हिस्सा टूरिस्ट से आता है, और टूरिस्ट आते किस लिए हैं, मंदिर के लिए। कोई 26 लाख लोग हर साल अंकोर वाट देखने आते हैं, और हर व्यक्ति अगर 50,000 रुपये खर्च करे तो ये आंकड़ा हो जाता है 13,000 करोड़ रुपये। तो कंबोडिया की सरकार को यहाँ के लोगों को विष्णु को या हिंदू धर्म को न मानने के बावजूद हर साल 13,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। यही प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिक होना मतलब कि प्रैक्टिकल होना, और प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है जिसका मतलब है व्यावहारिकता, यथार्थवादिता, और इसका अपोजिट है सिद्धांत प्रियता। तो अगर आपको सिद्धांत ज़्यादा प्रिय हो जाए रियलिटी से तो कहीं कुछ गड़बड़ है, और ऐसा ही हुआ करता था पुराने राजाओं के साथ। तो सूर्यवर्मन के मरने के बाद जो दूसरे राजा आए वो बौद्ध थे, तो यहाँ की मूर्ति हटा दी गई, विष्णु की और बौद्ध मूर्ति लगा दी गई। और प्रैग्मेटिक फिलॉसफी यही कहती है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को भी आपको कंसिडर करना होगा, तभी आपका कंसेप्शन पूरा होगा। कंसिडर द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंसेप्शन, देन योर कंसेप्शन ऑफ दोज इफेक्ट्स इज द होल ऑफ योर कंसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये वाक्य प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का मैक्सिम है। मैक्सिम मतलब कि सूत्र वाक्य या सिद्धांत। सूर्यवर्मन के बाद आने वाले राजा प्रैग्मेटिक तो नहीं थे, वो सूर्यवर्मन के इस हिंदू मंदिर को पूरी तरह से तोड़ के नष्ट करना चाहते थे, लेकिन वो इतने एफिशिएंट भी नहीं थे, क्योंकि 400 एकड़ में फैले हुए इतने बड़े मंदिर को, और इसमें बड़ी बड़ी चट्टाने और बड़े बड़े खम्भे हैं जो पूरे के पूरे एक पत्थर से बने हुए हैं, यहाँ से हटा पाना लगभग नामुमकिन था। ये उतना ही खर्चीला था जितना कि मंदिर बनाना। फिर ये सवाल उठता है कि सूर्यवर्मन ने इसे बनाया कैसे? आज यहाँ आबादी 2 लाख है, उस ज़माने में तो और भी कम होगी, और इतने बड़े मंदिर को बनाने के लिए 20,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जवाब मिलता है लिडार टेक्नोलॉजी से। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग मैपिंग टूल वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन मेड छोटे से छोटे स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। और अगर ये पता लगा सके कि कितने मकान थे उस जगह पे, और ये अगर हम अंदाज़ा लगाए कि हर घर में लगभग 4-5 लोग होंगे, तो कितनी आबादी रही होगी वहाँ पर। लीडार सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस ज़माने में यहाँ की आबादी थी 10 लाख। अंदर गर्भगृह से विष्णु की मूर्ति 2,500 साल पहले हटा दी गई, और वहाँ लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति लगी है, लेकिन दीवारों पर अभी भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। आज यहाँ पे बहुत गरीबी है, और उस ज़माने में इससे भी ज़्यादा रही होगी, और एक बहुत बड़ी आबादी इस शहर में रहती थी,
तो सूर्यवर्मन के लिए कामगार इकट्ठा करना उतना भी मुश्किल नहीं रहा होगा। मुझे तो लगता है कि यह उस जमाने का मनरेगा कार्यक्रम जैसा था। टेम्पल प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लगने थे और जो बहुत गरीब थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो यहाँ आकर के दोनों वक्त का खाना ले सकते थे और मंदिर निर्माण में हाथ बटा सकते थे। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ सूर्यवर्मन ने अमृत मंथन को दिखाती हुई मूर्तियाँ बनवाई हैं और ये रास्ता उस पुराने शहर को जाता है जहाँ पर राजा का महल था, और अंकोर वाट मंदिर यहाँ से काफ़ी दूरी पर शहर के बाहर बना हुआ है। किसी ज़माने में राजा बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होगा इसी जगह पर, और मुझे फ़ोटो खींचना भी मना होता, लेकिन उस ज़माने में मोबाइल भी तो नहीं था। ये अच्छा है कि समय के साथ लोग ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो रहे हैं और सरकारें भी। इंसान के बंदर से इंसान बनने की कहानी है सारी, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम और पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ भारत सरकार मंदिरों के रखरखाव के लिए कंबोडिया की सरकार की मदद करती है। ये ताप्रोम टेम्पल को टॉम रेडर टेम्पल बोलते हैं क्योंकि हॉलीवुड मूवी टॉम रेडर लारा क्रॉफ्ट की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि मंदिरों में अंदर तक घुस गए हैं, मंदिर की फर्श पर इनकी जड़ें बाहर तक बिखरी हुई दिखती हैं, और कुछ जड़ें तो गर्भगृह में अंदर तक घुस गई हैं। ऐसे लगता है जैसे इंसान ने मंदिरों को जब अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो प्रकृति घुस गई अंदर पूजा करने। हम हमेशा दुनिया को डाइकोटॉमी में देखते हैं कि या तो ये होगा या वो होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होते हुए भी हो सकती हैं क्योंकि उनके असर होते हैं, और जब तक आप अपने आइडिया के, अपने कंसेप्ट के असर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आपका कंसेप्ट अधूरा है।